हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी, क्या है हाल चाल। और जरा फटाफट फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे दोस्त, और बिहार के हर एक बच्चे तक सर क्या ये क्लास तो पहुँच ही जाए और मालूम चली जाए कि भैया क्या कि आपकी साइंस की क्लास चल रही है। तो फटाफट करके सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में और आ जाओ इस क्लास पर। क्या करते हैं, बेहतर तरीके से ऐतिहासिक बनाते हैं ना। आ जाओ देखो, और आपको जैसा कि पता है कि मैं इस सैटरडे आप लोगों के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्ष के पेपर हुए हैं वो लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब पे सर क्या होगी बात होगी, है ना। चलिए लेट्स सी, आइए आज क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं आज क्लास के बारे में। तो फोन लीजिए जरा, बोलो बोलो फोन। चलिए वेलकम 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 वेलकम। तो हेलो एवरीवन, क्या है हाल चाल आप सभी के। और मैं विवेक सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूँ। का हाल चाल भाई बाबू, का हाल चाल बाब, का होता। तो आ जाओ इस सवालों के कारवा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बड़ी मुश्किल से क्लास मिलती है सर, ऐसा क्या हो गया जो क्लास मुश्किल से मिलती है। और पहला सवाल की प्रतिशीतन की अवशोषण प्रणाली समानता निम्नलिखित में से किस प्रतिशीतक का प्रयोग करता है। यहां पर बहुत प्यारा सवाल है, द अब्सॉर्प्शन सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन जनरली यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटर। क्या बात है ना, बेहतर 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 सर, एसआरके स्टाइल में। हाँ बाबू बिल्कुल, जो कह दो वो कर देंगे, है ना महबूब। मत पूछ मेरे महबूब सनम, तुझे कितना प्यार मैं करता हूं, है ना। चलो आ जाओ देखो क्या कह रहा है सर। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है कि प्रतिशीतन की अवशोषण प्रणाली समानता निम्नलिखित में से किस प्रतिशीतक का प्रयोग करता है। सर देखो जो अवशोषण प्रणाली में अगर बात की जाए, सर देखो जो अवशोषण प्रणाली में, यहां पर आपका पोल का आंसर नहीं आया, जस्ट अ सेकेंड। फिर से मैं पूछ लेता हूं, क्या इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेंगे एक बार दोबारा पोल को। वैसे देखिए प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली समानता किस निम्नलिखित में से किस प्रशीतक का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा प्रतिशीतक है। अमोनिया क्या है दोस्त, अमोनिया आपका एक ऐसा प्रतिशीतक है, इस बात को आप सारे याद रखोगे, जो क्या करता है, जिसका प्रयोग हम सर क्या तो आपके कोल्ड स्टोरेज में, जो प्रतिशीतक होता है प्रतिशीतक में, कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा हमेशा हमेशा, है ना। चलो देखो सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अमोनिया हो जाएगा। जब ये अमोनिया सर कहाँ पे आएगा, जब ये अमोनिया आपका हाउस होल्ड पे आएगा। हाँ थोड़ा सा पोल में दिक्कत है दोस्त। जब ये अमोनिया कहाँ पे आएगा सर, जब ये अमोनिया कहाँ पे आएगा, हाउस होल्ड में आएगा। कहाँ आएगा दोस्त, तो जैसे ये हाउस होल्ड में आएगा, जब ये हाउस होल्ड में आएगा याद रखोगे सर क्या, तो यहाँ पर सर क्या इसका प्रयोग यही अमोनिया किस में चेंज हो जाएगा, यही अमोनिया F22 में चेंज होगा, जिसे किस नाम से हम बुलाते हैं, जिसे हम बुलाते हैं फ्रियोन के नाम से। किस नाम से, फ्रियोन के नाम से। अगला सवाल, 1000 वॉट किसके बराबर है। सर देखिए अच्छा सवाल है, द 1000 वॉट इज इक्वल टू, द 1000 वॉट इज इक्वल टू वॉट सर, द 1000 वॉट इज इक्वल टू। देखिए दोस्त जो 1000 वॉट है ये किसके बराबर होता है। हाजी सबसे पहले आंसर ये बात बाद में डी, कोई बात नहीं क्योंकि पोल आज चल नहीं रहा है, तो सॉरी इसके लिए। चलो ऐसे ही क्लास करते रहो, बिना पोल के भी पढ़ सकते हो, है ना। पढ़ने के लिए पोल की उतनी आवश्यकता नहीं है, सीखना है, समझना है, जानना है, जानकार बनना है। जय हिंद दोस्तों, बिल्कुल जय हिंद, जय हिंद है। देखिए सर क्या कह रहा है सर, सवाल कह रहा है क्या सर कि 1000 वॉट, सर देखिए जो 1000 वॉट है, 1000 वॉट किसके बराबर होगा। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको पता है सर, एक हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, तो एक हॉर्स पावर में आपको 746 वॉट होता है सर। क्या होता है, 746 वॉट होता है, तो इसके नियर अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, द 1.341 हॉर्स पावर, 1.341, द 1.341। याद रखोगे ये क्या है सर, ये हॉर्स पावर होगा जो 1000 वॉट के बराबर होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। सर देखिए जो एक ट्रांसफॉर्मर है, याद रखोगे ये किस पर कार्य करता है दोस्त, सर देखिए जो एक ट्रांसफॉर्मर है
ये किस पर कार्य करता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर, भंवर धारा के सिद्धांत पर, या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर? देखो दोस्त क्या कह रहा है, याद रखेंगे सर क्या यहां पे सवाल कह रहा है क्या सर? पोल प्लीज सर, अब पोल के लिए यार लेट्स कुछ करते हैं हम, तो पोल आप लोगों को पोल चाहिए तो पोल के लिए एक बार ना जैसा कुछ करते हैं हम, लेट मी सेलेक्ट बिहार एग्जाम्स वाला पीटीओ 14 यही है ना, ये दोस्त लगा हुआ है इसमें से कौन सा है एक बार वो देखे, इसको एक बार देखते हैं स्टार्ट, चलो देखते हैं अगर ये लगता है तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो सर यहां पे आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सर देखिए एक ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं सर किसके बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सर क्या, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रांसफॉर्मर, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट सर, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करूं सर, कोई ट्रांसफॉर्मर होता है आप सभी को पता है किस पे कार्य करता है दोस्तों? देखिए जो ट्रांसफॉर्मर होता है यह आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, किस पर कार्य करता है दोस्तों? यह आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है दोस्तों, आप सभी को पता है जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये हाई एसी को, हाई बहुत उच्च अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, लो एसी में चेंज करता है एंड वाइस वर्सा, मतलब लो एसी को हाई में करेगा, हाई को लो में चेंज करने का कार्य करेगा, जहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा। यहां पर फिर से किसी का आंसर यहां पर नहीं दिखा रहा है, मतलब पोल आज गड़बड़ है। सर घरेलू फ्यूज तार क्या होता है? सर देखिए जो घरेलू फ्यूज तार है वो क्या होता है, अति उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, इनमें से कोई सा भी नहीं। सर देखो जो घरेलू फ्यूज वायर होता है ये किस पर कार्य करता है बताओ? सर देखिए जो घरेलू फ्यूज वायर होता है यह किस पर कार्य करता है? क्या बात है अविशाहनी ब्यूटी कुमारी नीली ऋषभ महबूब, हिंदी में बताइए सर प्लीज, क्या हिंदी बताऊं दोस्त, हिंदी तो बोलता ही हूं मैं सर, आज ऐप पर नहीं ज्वाइन कर पाए थे, कोई बात नहीं दोस्त यहां कर लिया ठीक है। सर देखो घरेलू फ्यूज तार क्या होता है? सर जो फ्यूज तार के बारे में बात की जाए, सर जो फ्यूज तार होता है ये रांगा होता है, रांगा धातु, इसे रांगा धातु कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, इसे सोल्डर धातु कहते हैं। सर जो सोल्डर होता है, सोल्डर किससे बना होता है? याद रखो सर यह SN और PB का बना होता है। सर ये टिन और लेड का बना होता है, जहां पे 63% टिन होता है, 37% लेड होता है। और याद रखोगे कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो बहुत लो होता है। याद रखोगे इट हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत लो होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है सर, नहीं काम कर रहा है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका लवण पटाखों के लवण में उत्पन्न करता है? सर देखिए निम्नलिखित लवणों में से किसका याद रखोगे सर क्या, याद रखोगे सर क्या कह रहा है? सर देखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित तत्वों में से किसका वो लवण है जो पटाखों के लवण उत्पन्न करता है? सर वो कौन कौन से सॉल्ट होते हैं जो पटाखों में भरे जाते हैं? बहुत ही शानदार साहिल जी, प्रिंस जी, जया जी, छोटी जी, नीली जी, ऋषभ जी, प्रीति जी, देखिए सर वो कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो पटाखा बनाता है? सर क्या बनाता है, पटाखा है ना, पटाखा बनाता है, बताओ सर कौन सा होता है? सर देखो क्या सर देखो याद रखोगे सर क्या, याद रखेंगे सर स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, स्ट्रॉन्शियम पटाखों के अंदर लाल रंग लेके आता है। सर देखो जो पटाखों में लाल रंग होता है ये किसकी वजह से होता है, ये स्ट्रॉन्शियम की वजह से होता है। और वहीं पर जो पटाखों में हरा रंग होता है ना, हरा रंग जो पटाखों में होता है, हरी हरी उड़नी जैसा, तो याद रखोगे सर क्या वो बेरियम जैसा होता है। और याद रखोगे सर क्या जो लाल घघरा होता है तो लाल स्ट्रॉन्शियम होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या ही बात है ना सर, धुआं है ना, धार है ना, गजब है ना, गजब है ना, जबरदस्त है ना। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? वो कौन सा मानव का अंग है, अजी हमारा कौन सा वो अंग है जिसमें हमारी यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगा? जरा मुझे बताओ सर कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस में होता है? सर ये आपकी पटाखा के बारे में पूछ रहे हैं बाबू रे, मती पूछो, मती पूछो, फायदा करेगा, आ जाओ, देखो ना, सुनो ना, समझो ना। सर देखो लेट हो गई ली हम, कोनो बात नहीं के लेट हो गई ला दका भाई, टाइम से आगे ले फिर है ना, हरी हरी ओढ़नी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर सुकृति जी यहाँ पर ये बताएंगे कि मानव शरीर में किस अंग में यूरिया, देखो दोस्त जो यूरिया होता है, यूरिया हमारे यकृत में बनता है। देखो होता क्या है, हम हमारी बॉडी में बहुत हानिकारक पदार्थ कौन है सर, हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हानिकारक पदार्थ अमोनिया है, अमोनिया मौजूद है। अमोनिया कहता है कि अरे यार हम तो इसको खत्म कर देंगे है ना, वो कहता है अमोनिया कि मैं तुम्हें बर्बाद करना कर दूंगी, मेरे इतने करीब मत आओ। तो लिवर कहता है
हम बर्बाद होना चाहते हैं, और लिवर इस अमोनिया को लेता है और इस अमोनिया को सर क्या करता है सर, तो यूरिया में चेंज कर देता है, NH2CO NH2 में, और यही यूरिया कहाँ जाता है, हमारे किडनी के पास जाता है, हमारी वृक्क के पास जाता है, और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। तो याद रखोगे लिवर जो होगा वो क्या करेगा, वो यूरिया का निर्माण कर देगा। क्या बात है ना, शानदार है ना, गजब है ना। नेक्स्ट आ जाओ ना, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, द रीजन फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर। हमारा जो एटमोस्फेयर है अजी क्या है, अजी जो हमारा एटमोस्फेयर है, हमारे इस एटमोस्फेयर में द डिफ्यूजन ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट किस वजह से होता है, धूल के कण से, जलवाष्प से, हीलियम से, या कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो जो आपका विसरण डिफ्यूजन की बात कर रहा है ना, मोदी जी भी लाइक मजा नहीं आ रहा है, हम प्रबंध करते हैं, चिंता काहे कर रहे हैं, हम है ना, हम प्रबंध करते हैं। देखिए दोस्त याद रखो, जो धूल के कण होते हैं सर, को वातावरण में हमारा ये क्या सर, ये बात सूरज रहता है, इस तरीके से धूल के कण होते हैं, टकराता है और अलग अलग लाइट फैल जाती है, जिसे कहते हैं सर क्या, स्कैटरिंग। तो डस्ट पार्टिकल याद रखोगे जो को वायुमंडल में प्रकाश के कणों के बारे में बात करेगा, जो कि टिंडल इफेक्ट, आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा, तो टिंडल इफेक्ट जैसा ही सिमिलर होता है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, प्रसार प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में, स्मॉग की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, देखो ना, सुनो ना, समझो ना, कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए दोस्त, जो फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं द लॉस एंजलस स्मॉग, इसे हम कहते हैं लॉस एंजलस, क्योंकि ये कब बनता है, ये बनता है ठंडी के दिनों में, दोपहर में, यानी सर क्या, आफ्टरनून में, है ना, कि ठीक दोपहरिया में हो जाए अन्हार हो, तो दोपहर में बनता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन या मीथेन, क्या बात है ना सर, क्या बात है ना, क्या बात है ना, बढ़िया है ना, धुआंधार है ना, शानदार है ना। याद रखो कि सर क्या, दम मीथेन, मीथेन करेगा इसकी फॉर्मेशन, इस बात को आप सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है सर, क्या है, जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो उसके वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा सर, जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी, और हमें शायद आपने सर कुछ पढ़ाया है सर, हमें आपने कुछ पढ़ाया है सर, किसके बारे में सर, क्या आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का एक आपने सर क्या हमें संबंध पढ़ाया है, कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध होता है, तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के अनुत्क्रमानुपाती होती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घट जाएगा, मतलब आवृत्ति के बढ़ने से तरंग दैर्ध्य क्या होता है सर, याद रखोगे यह घट जाता है, और याद रखोगे जो आवृत्ति है, आवृत्ति 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 ऊर्जा के समानुपाती होती है, जो आवृत्ति है दोस्त याद रखोगे यह आपके एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, जो एनर्जी होती है एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस बात को आप याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक कोशिकीय जीव है, इसमें से कौन सा सर याद रखोगे, यहां दो पोल कैसा गया है, दो पोल कैसा दिख रहा है, लो दोनों को इस बार स्टार्ट करके देखते हैं, कुछ होता है, काम करता है कि नहीं करने वाला, दोनों कैंसिल कर देंगे। सर सर देखिए सर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, सर देखिए इसमें से कौन सा है जो कि आपके एक कोशिकीय जीव का उदाहरण होता है सर, कुछ जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों, यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है सर, कुछ जो प्रोटोजोअंस होते हैं, सभी एक कोशिकीय जीवों को, सभी के सभी एक कोशिकीय जीवों को कहां रखा जाता है दोस्त, तो सभी के सभी एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ के अंदर रखा जाता है, जिसे सर याद रखोगे मोनेरा के नाम से भी जानते हैं, याद रखोगे। एंथ्रोपोड्स, एंथ्रोपोड्स क्या है सर, तो ये ऑर्थ्रोपोड्स के होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑर्थ्रोपोड्स फैमिली के होते हैं, एनेलिडा, एनेलिडा के अंदर केंचुआ आएगा, कौन आएगा सर, नेरिस आएगा, और कौन है सर, जोंक आएगा, जोंक, ये किसके अंदर आएंगे, एनेलिडा के अंदर, और इकाइनोडर्मिटा के अंदर तारा मछली आएगी, समुद्री अर्चना आएगा, समुद्री खीरा आएगा, ये सब इसके अंदर आएंगे। लेट सी विच वन इज वर्किंग, लेट सी सर क्या, विच वन, ये भी काम नहीं कर रहा है, इट डजंट वर्क, लेट सी इज इट वर्किंग, नो, नन ऑफ द वर्किंग, याद रखो कोई भी काम नहीं कर रहा है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है, सर ये जो थर्मोस्कोप है, थर्मोस्कोप, गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजक न्यूटन या जेक कैपलर, सर ये किसकी बात कर, सर की बात कर रहा है यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर बात कर रहा है थर्मोस्कोप। देखो दोस्त जो थर्मोस्कोप है ये क्या कह रहा है सर, देखो जो थर्मोस्कोप का काम क्या होगा, थर्म, तोड़ दो शब्द को, देखो विवेक सर कहते हैं क्या कि जब भी साइंस में कुछ समझ में ना आए शब्दों को तोड़ दो, थर्म मतलब क्या हो जाएगा, हीट, हीट, स्कोप मतलब क्या हो जाएगा सर, देखना,
इसको मतलब देखना सर, इसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में थर्मोमीटर भी कह सकते हैं क्या सर? क्या हीट को मापने का भी बात कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मेरे फेवरेट आएंगे कौन, द गैलीलियो गैलीली, जिसने सर क्या थर्मोस्कोप के बारे में बतलाया था, क्या बात है ना, शानदार है ना, बेहतर है। सर कॉपरनिकस ने क्या कहा था? कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य केंद्र है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। कैपलर ने कहा था कि जो दिशा है ना, जो ये गति करते हैं जो ग्रह, उसके बारे में बताया था। आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, याद रखोगे। एक डेका लीटर किसके बराबर होता है? बढ़िया है, शानदार है। देखो क्या कह रहा है कि सर क्या एक डेका लीटर किसके बराबर होता है? पोल लगाइए है, मतलब पोल नहीं लगाइए सकते हैं, कहें कि दोस्त आज पोल काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, है ना, ऐसे भी पढ़ सकते हो नेहा बेटा, पढ़ सकते हो। अदिति राज, रवि, जया, छोटी पांडे, अजय मेहता, कोपेंद्र कुमार, अपना बॉय, अजय मेहता, छोटी नेहा, आशुतोष, मुराद, साहिल। देखिए दोस्त क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ध्यान देंगे सर, एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है, इस बात को आप याद रखोगे। और एक किलो लीटर 1000 के बारे में याद रखोगे सर, क्या 1000 के बारे में कहता है, तो सर क्या 10 लीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? अजी मार्स गैस किसे कहते हैं जरा मुझे बताओ, जरा 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 मुझे बताओ सर कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? जया, महबूब, जिद्दी, एडिटर, हीर, चंदन, दिलेर, आरिश, छोटी पाणे। बढ़िया, बेहतर है, शानदार है सर। को मार्श गैस सर क्या पूछ रहा है ना, सर पूछ रहा है कि मार्श गैस किसे कहते हैं? देखो ना, समझो ना, ध्यान दो ना, जो मार्श गैस होती है वो कौन सी होती है दोस्त? तो मार्श गैस मीथेन गैस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखोगे ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, याद रखोगे ये धान के खेत में, यह धान के खेत में पाई जाती है सर। कौन सी? आपकी मीथेन गैस। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको मार्श गैस के नाम से जानते हैं। किसे दोस्त? मीथेन को। नेक्स्ट देखिए कि धमनियां रक्त का वहन करती हैं। अरे मेरे दोस्त, मेरे महाराज, मेरे सोना जी, हीरा जी, पूछ रहा है क्या दोस्त? पूछ रहा है क्या दोस्त कि धमनियां होती हैं, धमनियां जिसे कहते हैं आर्टरीज, यह ब्लड को कैरी करती हैं, जो किससे भरी हुई होती हैं? अजी बढ़िया बढ़िया, शानदार, बेहतर है, धुआंधार है, जबरदस्त है, है ना। देखो ना, सुनो ना, समझो ना, समझते रहो ना। कहता है क्या कि धमनियां रक्त का वहन करती हैं, आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर याद रखोगे क्या होता है, आर्टरीज के अंदर हमेशा हमेशा प्योर ब्लड, और देखो तो जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरा होता है, तो धमनियां ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को शिराएं करती हैं, शिरा। लेकिन अगर इसके आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी सिरा या धमनी के आगे हो गया, लग गया क्या? फुफ्फुस। लग गया क्या सर? फुफ्फुस। लग गया क्या? पल्मोनरी। लग गया क्या दोस्त? लग गया पल्मोनरी। लग गया फुफ्फुस तो ये काम हो जाएगा उल्टा पुल्टा, काम हो जाएगा उल्टा पुल्टा, मतलब फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त करेगी और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त करेगा, जबकि धमनी अशुद्ध रक्त करती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त करते हैं। इस बात को दिमाग में हमेशा हमेशा रखना। हमारी आंखों के लेंस का क्या काम है भैया? लेंस है ना, बताओ कि सर क्या आंखें में लगा के लेंस नीला नीला, क्या कहते हैं, आंखें में लगा के लेंस नीला नीला, हिलाई दिलू जिला। देखो सर वही बात है सर, क्या कहता है कि हमारी आंखों का जो लेंस होता है, लेंस सर, लेंस का काम क्या होगा? जूम इन और जूम आउट करना सर। क्या करना? जूम इन करना और जूम आउट करना। देखो दोस्त, जब जूम इन और जूम आउट की बात करता है सर, क्या आंखों की फोकस दूरी को चेंज करेगा। सिंपल सी बात है सर, क्या करेगा? सर आंखों की फोकस दूरी को चेंज करना, क्योंकि लेंस का काम क्या होता है? जूम इन करना, जूम आउट करना, वस्तुओं को जूम कर देना और जूम से हटा देना। दैट इज सर क्या, चेंजिंग द फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। बढ़िया है। किसी तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, कोई तत्व है उसका हमें एटॉमिक मास ज्ञात करना है, उसे किसके तत्व के परमाणु भार से तुलना की जाती है? एसटीपी के बारे में पूछ रहा है, तो किसके एसटीपी से उसकी कंपैरिजन की जाती है? सर कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन हो जाएगा? जरा मुझे बताओ सर वो क्या हो जाएगा? शानदार है ना, बेहतर है ना, बेहतरीन है ना, धुआंधार है ना, जबरदस्त है ना, गजबे है ना, धुआंधार है। तो याद रखोगे उसे हमेशा हमेशा ऑक्सीजन से कैरी करेंगे। ऑक्सीजन सर क्या करेंगे? हमेशा उसकी समतुल्यता देखी जाएगी। किससे? ऑक्सीजन से, ना कि कार्बन से। इस बात को आप याद रखिएगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन से।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? है ना, बिल्कुल 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 खुशबू जी, आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह के लिए जीला, क्या बात है ना। देखिए सर क्या कह रहा है सर, देखो कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? सर वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम सेस्मोग्राफ सेस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, और याद रखोगे यही बताते हैं सर को भूकंप कितने ज्यादा इंटेंसिटी का आया था, और ये सेस्मोग्राफ याद रखोगे रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर सर क्या करता है रीडिंग को बतलाता है सर क्या कि रिक्टर स्केल पर रीडिंग कितनी है ये सेस्मोग्राफ बताएगा, जिससे आप सर क्या याद रखोगे कि जो भूकंप आया है ये कितनी तीव्रता का आया हुआ है, क्या बात है ना, जबरदस्त है ना, गजबे है ना, धुआं है ना। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? भैया इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हमने सर क्या, हम यहां खड़े हैं और खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि सर क्या अरे ओ मेरी राधा, है ना सर क्या, यहाँ खड़े हो हमने राधा चिल्लाया, अब हम कितनी जोर से सर क्या अपनी राधा का नाम ले रहे हैं ये कौन बताएगा सर? तो ये बताएगा ऑडियोमीटर, द ऑडियोमीटर इस चीज को बताएगा कि आपकी ध्वनि की इंटेंसिटी कितनी है, और ये ऑडियोमीटर क्या करेगा दोस्तों, यह डेसिबल में रीडिंग देगा, रीडिंग किस में देगा, डेसिबल में देगा, मतलब अगर मैं चिल्ला चिल्ला के सर बता रहा हूं याद रखोगे तो वो क्या होगा सर, तो ये आपका 55 से 60 डेसिबल, और मनुष्य साफ साफ सुन सकता है 90 डेसिबल तक, इस बात को आप सारे याद रखोगे, दैट इज द ऑडियोमीटर याद रखोगे, ठीक है। देखो एक बच्चा है रॉकी केज रोहतास, बाबू ये आकाशवाणी नहीं है कि अभी बज चुके हैं 8:22 और मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ रहा हूं, नहीं है समय, कम समय है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत आराम से पढ़ना है कि आगे के समाचार कुछ इस प्रकार हैं, तो याद रखोगे सर क्या आप आकर पीड बैचेस में से पढ़ सकते हो। कैलोरी यूनिट क्या है, देखो मुझे आपकी एफिशियंसी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाना है ना, बढ़िया। देखिए सर क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है सर, देखो कैलोरी यूनिट है ध्वनि की पावर की, दबाव की या ऊष्मा की। सर को जो कैलोरी है, कैलोरी कैलोरी किसकी यूनिट हो जाएगी दोस्त, याद रखो जो कैलोरी है कैलोरी आपके ऊष्मा की यूनिट हो जाएगी या आपके हीट की यूनिट हो जाएगी, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, खानों में अधिकतर धमाके किसके कारण होते हैं? सर को जो खान होते हैं, खान खान मैं बात करूं किसकी सर, मैं बात कर रहा हूं सर माइंस के बारे में। तो देखो तो जो माइंस होते हैं, माइंस में जो धमाके होते हैं वो किस वजह से होते हैं, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ सर, जो माइंस होता है माइंस में धमाके किस वजह से होते हैं? देखो दोस्त जो माइंस होता है, माइंस में जो धमाके होते हैं यह किस वजह से होते हैं? सुशील कुमार, छोटू छोटी, आर एस, राहुल, देखिए सर क्या हो जाएगा याद रखोगे, हवा के साथ मीथेन, द मीथेन विद द एयर, एयर में मीथेन आया, मीथेन क्या करेगा ब्लास्ट कर देगा। सर सर याद रखोगे द मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस आर ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन विद द एयर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में किया जाता है? सर वो कौन है जिसका इस्तेमाल हम मृदा सुधारक के रूप में करते हैं? ऋषभ कुशवाहा, एक कमेंट को बार बार करने से तुम्हारा लीम जोक बहुत ज्यादा कॉमिक नहीं हो जाएगा, तो इसलिए सर क्या कर दो, पढ़ाई कर लो दोस्त, पढ़ाई काम आने वाली है तुम्हारे ये लीम जोक से, ना हमको हंसी आएगी ना तुम्ही को हंसी आ रही है, एक ही कमेंट बार 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 कर रहे हो, है ना। चलो देखो सर क्या, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में होता है? मालिक याद रखेंगे जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, द सी ए एसओ फोर डॉट टू एच टू ओ। सर क्या होता है सर, याद रखोगे द सी ए एसओ फोर डॉट टू एच टू, ये जिप्सम है जो क्या करता है, जो कि मृदा की पानी होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है, बना देता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे, सो द आंसर विल बी जिप्सम जिप्सम जिप्सम। और जैसे इस जिप्सम में से मैंने पानी निकाल दिया ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी ए एसओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ, जिसे पीओपी कहा जाएगा, क्या बात है ना, जबरदस्त है ना। नेक्स्ट आ जाओ ना, मल्टीमीटर क्या माप सकता है, एक ये और आसान सवाल लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। मल्टीमीटर क्या मापता है बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना कि दोस्त जो मल्टीमीटर होता है सर, सांप नहीं दिख रहा है सर, सांप दिख नहीं रहा, बड़ा सांप इस क्लास में नहीं दिखता दोस्त, सांप आपको सर क्या बाहर दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, इस क्लास में तो नहीं दिखेगा,
ठीक है, देखो मल्टीमीटर क्या है सर, मल्टीमीटर धारा को मापता है, प्रतिरोध मापता है और वोल्टेज को, क्योंकि नाम में लिखा है मल्टी, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, तो मल्टीमीटर क्या करेगा, धारा प्रतिरोध और वोल्टेज को मापने का कार्य करेगा। नेक्स्ट देखो ना, चालकता की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। सर की जो चालकता होता है, चालकता की यूनिट क्या होती है, हाजी बढ़िया सर देखो चालकता की यूनिट क्या होती है सर, महो प्रति वर्ग मीटर, ओम। सर देखो एक होता है रेजिस्टिविटी, एक क्या होता है सर, एक होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्ट, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है। तो उसी हिसाब से रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस होता है ओम, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है ओम सर, क्या ओम मीटर, ओम मीटर, तो यहां पे सर क्या हो जाएगा महो प मीटर, महो प्रति मीटर याद रखोगे ये किसका हो जाएगा, तो ये आपकी चालकता की कंडक्टिविटी, जिसे साइमन भी कहते हैं, जिसे साइमन से भी मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, द थ्री प्राइमरी कलर्स। सर ये जो थ्री प्राइमरी कलर्स है वो कौन सा है, देखिए दोस्त, जो थ्री प्राइमरी कलर्स, द तीन प्राइमरी रंग कौन से हैं, द थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, या कोई सा भी नहीं। आपको पता है तीन प्राइमरी रंग कौन से होते हैं, आर जी और बी, आर जी बी आर द थ्री प्राइमरी कलर्स। जब इन तीनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा दोस्त, जब इन तीनों को मिलाया जाएगा तो व्हाइट बनता है, व्हाइट। और याद रखोगे सर क्या, ये वे रंग है जो अन्य रंगों से नहीं बनेंगे, ये वो रंग है जो अन्य रंगों से नहीं बनेंगे, याद रखोगे। सर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इस बात को सभी जरा मुझे बताओ, है ना। देखो सर क्या कहते हैं, सर को मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, सर को जो मैग्नेटिक फ्लक्स है होता क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, इससे गुजरने वाली जो रेखाएं होंगी, जो रेखाएं इससे गुजरेंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें फ्लक्स कहा जाएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्त, वेबर होता है, याद रखोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है दोस्त, वेबर होता है, इस बात को याद रखोगे। और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है मैक्सवेल, क्या होता है मैक्सवेल, याद रखोगे। ये किसकी शर्त, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है, एक फील्ड से गुजरने वाली रेखाएं। नेक्स्ट, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह क्या हो जाता है, कोई भी एक परमाणु है जैसे सोडियम है, Na है, Na, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा, पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा, याद रखोगे। द एनोड, द कैथोड, द एनायन, द केटायन, द केटायन, द केटायन, बताओ सर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़िया है ना, बेहतर है ना, शानदार है ना। सर इस बार वर्दी होगा, बिल्कुल होगा वर्दी बेटा दोस्त, बिल्कुल होगा। Na, Na क्या है, सोडियम, 281 क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, प्लस आ गया, प्लस को कहते हैं क्या, केटायन। अब ये 28 हो जाएगा जिसे Na प्लस कहा जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसे कहा जाएगा धनायन, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, सर को लंबाई से रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, सर बात कर रहा है जो लंबाई है वो रेजिस्टिविटी से किस प्रकार संबंध रखती है, बताओ सर। आपने देखा होगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये डायरेक्टली proportional to length होती है, और resistivity जो होती है inversely proportional to area होती है, सभी ने पढ़ा होगा। सर पूछा क्या है, लंबाई, लंबाई के directly proportional, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो याद रखोगे उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी option one will be the correct answer, it will increase, याद रखोगे। और क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, याद रखोगे, लंबाई के बराबर समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इस बात को आप याद रखोगे। किसी परमाणु का सबसे हल्का भाग कौन सा होता है, एक एटम, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, याद रखोगे सर क्या, एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मूल कण होते हैं, उनमें चार्ज होता है और उसमें भी वजन होता है, तो सबसे हल्का कौन हो जाएगा, इस बात को आप बताओ सर, इसमें से सबसे हल्का कौन हो जाएगा। देखो दोस्त, सबसे हल्का यहां पर कौन हो जाएगा सर, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है दोस्तों, 9.10 × 10⁻³¹ किलोग्राम, ये इसका वजन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉन याद रखोगे सर, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, द 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम न्यूट्रॉन का भार होता है, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इस बात को आप याद रखोगे। एंग्री तुम अपना बताओ ना, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था,
हाँ जी बताइए दोस्त कि सर देखो याद रखो सर देखो जो टेलीग्राफ है टेलीग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए दोस्त कि इसमें से वह कौन से साहब हैं जिन्होंने टेलीग्राफ की खोज की थी निकिता सिंह अनामिका दीदी देखो सर क्या कह रहा है सर टेलीग्राफ सर को जो टेलीग्राफ है टेलीग्राफ की खोज सर डुप्ले ने की मोर्स ने की न्यूटन ने की लाप्लास ने की सर को जो आपके मोर्स नाम के साहब है मोर्स मोर्स याद रखोगे दोस्त जो मोर्स हैं मोर्स ने टेलीग्राफ की खोज की थी इस बात को सभी सभी याद रखोगे नेक्स्ट आज नक्शा कहता है विद्युत रोधी नीचे दिए गए में से किस पदार्थ के बने होते हैं इंसुलेटर विद्युत रोधी क्या होता है जो करंट को फ्लो ना होने दे यहां करंट है करंट यहां से चलती 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 हम तक आ रही है और हम है इंसुलेटर तो हम करंट को आगे बढ़ने नहीं देंगे इस बात को आप सारे याद रखोगे तो कहता है क्या कि कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना कि विद्युत रोधी नीचे दिए गए सर किसके बनेंगे कांच के बनेंगे ग्लास के बनेंगे इस बात को आप सारे याद रखोगे एंग्री बिटिया बहुत बहुत बेहतर नेक्स्ट आ जाओ क्या कहता है डायोड डायोड क्या होता है दोस्त डायोड डायोड की खोज किसने की थी हॉलनैक ने की थी सर देखो पहले सवाल पढ़ेंगे फिर इस सवाल के बारे में कुछ बातें करेंगे हॉलनैक नाम के साथ इन्होंने डायोड की खोज की थी डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है कितनी दिशाओं में बहती है डायोड से देखो डायोड क्या होता है डायोड की खोज हॉलनैक ने की थी डायोड कैसा दिखता है सर डायोड कुछ इस प्रकार का दिखता है किस पर कार्य करता है ये कार्य करता है पीएन जंक्शन पे कार्य करता है जो करंट को केवल यूनिफाइड डायरेक्शन एक डायरेक्शन में भेजने का कार्य करता है ओनली इन वन डायरेक्शन क्या बात है ना शानदार है ना गजबे है ना जबरदस्त है ना सर को क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बताओ सर यह किस में एक्सप्रेस की जाएगी द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन बताओ ना सुनाओ ना दिखाओ ना क्या होगा कि सर देखो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसे किस में एक्सप्रेस्ड किया जाएगा बढ़िया बढ़िया चलिए देखिए सर क्या कह रहा है सर देखो वैद्युत ऊर्जा सर को जो वैद्युत ऊर्जा है सर याद रखोगे सर क्या ये I square into R करंट एंड रेजिस्टेंस याद रखोगे I square into R सर याद रखोगे ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट है किसी भी द्रव्य के क्वथनांक का तापमान अच्छा सवाल है सर क्या बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड मेरा एक स्टेटमेंट याद रखोगे मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट याद रखोगे और ये सवाल पूरी जिंदगी में सर क्या गलत नहीं करोगे क्या होता है सर को जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है इस बात को क्या करना इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रख लो हमेशा हमेशा कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा प्रेशर के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दबाव बढ़ने पर घटता है बिल्कुल गलत बात है सर बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है सर दबाव बढ़ने पर बढ़ता है बिल्कुल सही बात है सर ये था बता है नहीं सर ये द्रव्य द्रव्य पर निर्भर करता है नहीं सर क्यों क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर सर याद रखोगे क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ेगा और दबाव घटने पर घट जाएगा इस बात को आप याद रखेंगे नेक्स्ट आ जाओ सीमेंट की धीमी सेटिंग के लिए सर क्या सर सीमेंट की भी सेटिंग है देखो ना जिंदगी में क्या ही है समय कि सीमेंट की धीमी सेटिंग के लिए निम्न की उच्च प्रतिशतता रखेगी सर देखो जो सीमेंट है सीमेंट को धीरे धीरे सेटरिंग करनी है उसकी उसको सुखाना है अब सीमेंट को सुखाना है तो सर क्या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट डाइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या जिप्सम आसान हो गया ना बन गया ना क्या बोल रहा है सर धीमी सेटरिंग मतलब उसमें पानी होना चाहिए पानी को क्या करना है सर होल्ड करना है और पानी होल्डिंग कैपेसिटी किस में होती है जिप्सम में होती है इंडिया के राजस्थान में याद रखोगे सर क्या इंडिया के राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम की पैदावार होती है याद रखोगे निर्वात में एक्स किरणें दृश्य प्रकाश और रेडियो वेव्स और में आयाम कौन सा कॉमन होगा देखो ना सुनो ना समझो ना समझाओ ना सर देखो जो आपकी रेडियो वेव्स हैं जो आपकी क्या है दोस्त जो आपकी रेडियो वेव्स हैं या दोस्त क्या जो आपकी क्या है दोस्त आपकी एक्स किरणें हैं दृश्य तरंगे हैं और रेडियो वेव्स हैं बताओ सर इसमें क्या कॉमन होगा अजी क्या ही कॉमन निकल के आएगा इसमें से जरा मुझे बताओ जरा 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 ये कौन है जो सामने आ रहा है चलो आओ देखो सर सर क्या निर्वात में एक्स किरणें दृश्य प्रकाश और रेडियो इन तीनों का क्या कॉमन होगा सर इन तीनों की स्पीड कॉमन होगी स्पीड क्योंकि निर्वात में इनकी गति 3×10⁸ मीटर/सेकंड होती है इस बात को आप याद रखोगे ठीक है नेक्स्ट आ जाओ केंचुआ किससे श्वसन करता है केंचुआ फेफड़े से मुंह से स्किन से या किसी से भी नहीं केंचुआ अच्छा सवाल है बताओ
बताओ। सर अपनी पाइप के पास हैं और दो बच्चों के पास, इसीलिए बिजी हैं। ये कौन बदतमीज है, इससे तो बू आ रही है। किसकी, शर्मा जी की बू आ रही है इससे तो। ये यूनिक से तो शर्मा जी की बू आ रही है। मान जा। देखो सर क्या, केंचुआ सर को जो केंचुआ होता है, केंचुआ सर को जो केंचुआ होता है, केंचुआ क्या होता है सर, याद हो सर, ये होता है केंचुआ क्या है सर, एनलिडा है। क्या है सर, याद रखो, केंचुआ है जो किस संघ का है, एनलिडा संघ का है। ठीक है, आंसर स्किन से। इसके में आंखें नहीं होती, नो आइज। याद रखोगे इसके अंदर क्या होगा सर, इसकी बॉडी पर फ्रैगमेंट्स पाए जाएंगे, फ्रैगमेंट्स इस तरीके से इसकी बॉडी पर खंड पाए जाएंगे। और याद रखो जो केंचुआ है ना दोस्त, याद रखो सर क्या, ये जो केंचुआ होता है, समझो ना, देखो ना, सुनो ना, इसके में अंदर याद रखोगे ब्लड तो होता है, बट इसका ब्लड क्या होता है सर, इसका ब्लड होता है ब्राउन। याद रखो सर इसका ब्लड कैसा होता है, इसका ब्लड ब्राउन होता है। सो द आंसर विल बी फ्रॉम द स्किन। और जो केंचुआ होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये उभयलिंगी होती हैं। इस बात को याद रखोगे सर क्या, फ्रॉम द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है, जरा मुझे बताओ सर, डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है। देखो ना, सुनो ना, समझो ना, क्या हो जाएगा सर, क्या डीएनए की प्रवृत्ति किस प्रावस्था में होती है, जरा मुझे बताओ। बढ़िया माला, याद रखोगे, कमेंट क्या करो दोस्त, कमेंट करो, पढ़ाई करो, है ना, स्लो फास्ट में देख लूंगा। हाँ अभिषेक, ये यूनिक नाम का कोई एक क्लास में ब्लॉक करो उसको। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है दोस्त, देखो ध्यान दोगे सर क्या, डीएनए की प्रवृत्ति किस प्रावस्था में पाई होती है। देखिए जो डीएनए होती है, डीएनए की प्रवृत्ति सर एस फेज में होती है, एस प्रावस्था में होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ठंडे देशों में कार के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं। देखो जो कोल्ड, जो भी अवसर के ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश में क्या करते हैं दोस्त सर, देखो जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश में क्या करते हैं दोस्त, तो याद रखोगे कार के रेडिएटर में जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, सहायता करता है विस्कोसिटी कम करने के लिए, जल से अच्छे लुब्रिकेंट बनाने में, हिमांग को कम करने में या क्वथनांग को कम करने में। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, देखो सर क्या हो जाएगा इसका आंसर सर क्या, हिमांग को कम करने के लिए, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट को घटाने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, प्रत्येक एक डिग्री तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। सर देखो, प्रत्येक एक डिग्री तापमान, आप क्या कर रहे हो दोस्त, आप एक डिग्री तापमान बढ़ा रहे हो, हर एक डिग्री तापमान देखो आपने क्या किया, आपने एक डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए वो ध्वनि का वेग कितना बढ़ेगा सर, याद रखोगे ये आपका 0.6 मीटर पर सेकंड है ना, एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो देखो दोस्त, अगर बात करें यहां से, मैं एक बात मालूम चलती है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश गति क्या होती है। देखो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश गति है वो क्या होती है, अजी विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति में कैसा संबंध होता है, बताओ दोस्त। सर देखिए क्या कह रहा है सर, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो प्रकाश की गति है, इनमें कैसा संबंध होता है। सर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो प्रकाश की गति है, इन दोनों की गति क्या होती है, समान होती है, क्योंकि ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये क्या है दोस्त, ये दोनों की दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर याद रखोगे क्या होता है, इनकी स्पीड 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है, याद रखोगे। नेक्स्ट, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बताओ सर। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इस बात को आप सारे याद रखोगे। देखो क्या कह रहा है सर, याद रखोगे सर क्या, जो आपका अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी सर, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा सर, कि द 2π√L/g। ठीक है, लंबाई दोगुनी कर दी जाए सर, को एल की वैल्यू क्या रखना है सर, एल में दोगुना कर दिया तो √2 आपके बिल्कुल आंसर हो जाएगा सर क्या,
दोगुना होगी, रूट टू टाइम्स वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? रूट टू टाइम्स वृद्धि हो जाएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। कितनी वृद्धि होगी सर, याद रखोगे सर? क्या? रूट टू टाइम्स हो जाएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलिए नेक्स्ट देखिए, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ सकते हैं। देखो आपके घरों में जो आपका सर क्या घरेलू ऊर्जा मीटर लगा हुआ है, इसको किसमें पढ़ सकते हैं? सर 2022 में 12 पास ही है, फॉर्म भर सकते हैं क्या? डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। खुशी सिंह बेटा जी, जानू, माला, सोनू, सुमन, श्वेता, नेहा, रिभा, रोमियो, अवि, रूबी, माला, छोटी रूबी, महबूब, नेहा, लिपि, सीता। घरेलू ऊर्जा मीटर को याद रखो सर किसमें पढ़ते हैं? इसको किलोवाट आर में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? किलोवाट आर में पढ़ते हैं, याद रखोगे। घरेलू ऊर्जा मीटर, देखो तो सर, देखो दोस्त, आप अपने घर में कितनी एनर्जी क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो सर, क्या करो सर, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसकी रीडिंग आती है। तो इसे सर कैसे किलोवाट आर में रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सर डायोड का इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पर? रेक्टिफायर के तौर पर, आपके वेरिएबल के डिटेक्टर पे, या उपयुक्त सभी? देखो डायोड, सर को जो डायोड है, डायोड का इस्तेमाल किस तौर पे करते हैं बताओ? डायोड का जो इस्तेमाल है वो किस तौर पे करते हैं? ठीक है, जो डायोड है, डायोड का इस्तेमाल किस तौर पे? सर को जो डायोड होता है, डायोड सर क्या, ये रेक्टिफायर की तरफ। सर किस तरह से रेक्टिफायर क्या करता है डायोड? डायोड आपको पता है बहुत सारी बातें हमने कर रखी है, डायोड को होल नहीं रखने की थी। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। कैसा रेक्टिफायर? तो वो रेक्टिफायर का भी नाम मैं आपको देता हूं, द ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज है ना, ब्रिज ही कहते हैं हिंदी में भी, है ना, ब्रिज को पुल रेक्टिफायर जो होता है, याद रखोगे सर क्या ये क्या करता है? सर याद रखोगे, यह आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। स्पेसिफिक सर क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बताओ सर क्या हो जाएगा? सर को आपसे पूछ रहा है सर क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में सर पूछ रहा है क्या? सर को क्या कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध। सर याद रखो कि जो रेजिस्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। एल रेजिस्टिविटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगी, दोनों हो जाएगी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, सर आर आर बराबर रो एल बाई ए, रो रो बराबर आर ए बाई एल, और ये रो क्या होगा, इसी रो को कहा जाएगा रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो ये सभी पर निर्भर करेगा, ऑल ऑफ द अबव पर निर्भर करेगा। ठीक है, बढ़िया। सर किस पर निर्भर करेगा? सर याद रखोगे, यह इस पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आ जाओ। एक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का अनुभव की जाने वाली भारहीनता का प्रभाव क्या है? सर कोई एक अंतरिक्ष यान है, सिर्फ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर अनुभव की जाने वाली भारहीनता क्या है? सर को कोई क्या है, कोई आपका क्या है दोस्त, अंतरिक्ष यान है। जैसे मान लो आपकी आपकी पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी का हमें सर क्या, ये मान लो हमारा यान है, इससे हमें चक्कर लगाना है, चक्कर पे चक्कर लगाना है। त्वरण का, जड़त्व का, गुरुत्व केंद्र का, या शून्य गुरुत्व का, किसका होगा सर बताओ? बढ़िया है ना, बेहतर है ना। देखो क्या हो जाएगा सर, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑफ जीरो ग्रेविटी, शून्य गुरुत्व का हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ना, यह मानव शरीर की जीवन रेखा है। अच्छा सवाल है, एज अ लाइफ लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग से करना, बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग से करना, दिमाग से बहुत प्यारा सवाल है। देखते हैं सर क्या है। सर देखो आपका विटामिंस, विटामिंस आर द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। विटामिंस क्या करता है सर, याद रखोगे, रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाता है। अब मान लो विटामिन नहीं हुआ, रोग होगा, और रोग हो सर क्या हो जाएगा, तो सर क्या टाइम बोल जाओगे, क्या बोल जाओगे सर, टाइम बोल जाओगे, याद रखोगे। प्रोटीन क्या करता है सर, प्रोटीन विकास करता है, विकास, इससे मरोगे थोड़ी, अविकसित रह जाओगे, लू लंगड़ कोढ़ी आनर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, सर एनर्जी नहीं रहेगी सर क्या, एकदम सर क्या है ना, एकदम आराम से पढ़ाओगे, एनर्जी नहीं है क्या किया जाए, फैट नहीं हुआ तो
तो भी ठीक है। तो इस तरीके से आप सर क्या पढ़ोगे और पढ़ाओगे, लेकिन हमारे पास सर क्या कार्बोहाइड्रेट भी है और इतना बड़ा फैट भरा है कि सर क्या पूरी दुनिया का फैट यहीं से निकाल लिया जाए, है ना। सो द आंसर इज द विटामिंस, याद रखोगे। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है सर, को जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होता है सर, को जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में किसका मौजूदगी होता है, बताओ सर। हाँ जी बाबू पढ़ लो, क्या ही कमेंट कर रहे हो, है ना, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना। देखो सर क्या कहता है सर कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित हो, सर को जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है सर, तो याद रखोगे हीमोग्लोबिन में आपका Fe2+, Fe किसे कहते हैं दोस्त, Fe किसे कहते हैं, आयरन कहते हैं, आयरन, आयरन की मौजूदगी देखी जाती है, Fe की मौजूदगी देखी जाती है। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाए, बताओ सर, लोहा, है ना, कबाड़ी की दुकान पर, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है ना। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाएगा सर, तो कबाड़ी की दुकान पर, ऑप्शन में कबाड़ी की दुकान है ही नहीं, बताइए, बताओ सर क्या हो जाओ। देखो सर क्या कह रहा है दोस्त, याद रखोगे सर क्या, सबसे अधिक लोहा कहां पाया जाएगा सर, ये ग्रीन वेजिटेबल्स में, वेजिस में पाया जाएगा, ग्रीन वेजिस में पाया जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, हमारे लिवर में कौन सा विटामिन स्टोर हो सकता है, बताओ सर वो कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। आपकी क्लास नाइट में ही होती है, हाँ दोस्त अभी तो नाइट में हो रही है, बट बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक क्लास और लेके आने वाला हूँ, किसकी, तो थियरी की, किसकी दोस्त, तो मैं आपके लिए सर क्या थियरी क्लास लेके आऊँ, थियरी की, बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्द, ऑल ऑफ द अबव सर क्या उपयुक्त सभी। और थियरी में याद रखोगे सर, थियरी में आपको पढ़ाया जाएगा क्या सर, आपको पढ़ाएगा फिजिक्स, फिजिक्स का पढ़ाएगा दोस्त, आपको पढ़ाएगा फिजिक्स, क्योंकि मैंने देखा फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो बिहार पुलिस में बहुत टफ है, टफ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, तो मैं आपको फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाऊंगा, याद रखोगे, प्लस न्यूमेरिकल्स भी यहाँ होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। नेक्स्ट, जिस द्रव्य में पिगमेंट का मिश्रण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताओ सर, अंदर लिख पड़िए, गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, एथलीट को किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, बताओ सर, जो एथलीट है, एथलीट से किससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, बताओ दोस्त, ठीक है, बहुत जल्दी मैं थ्योरी क्लास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। नेहा कुमारी सर मेरा नाम लीजिए, मेरा सब सही है, ठीक है सर। कोई क्या कहते हैं सर को, एथलीट को किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है सर, को जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स, एथलीट्स को कार्ब्स की आवश्यकता होती है, और कार्ब्स में भी सर किसकी, ग्लूकोज की, क्यों, क्योंकि एथलीट को चाहिए एनर्जी, एनर्जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, नहीं सर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, साहिना परवीन, शंकर, निक्की कुमारी, खुशी, माला, एंग्री सर, नेटवा पढ़ने नहीं दे रहा है, तो नेटवा को दुमुक्का मार दो कि नाच के गिर जाएगा, है ना, नेटवा क्या करो, नेटवा को दुमुक्का खींच के मार दो, नाच के गिर जाएगा। देखो क्या कहता है दोस्त सर, क्या मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, और सबसे बड़ी कौन सी सर, सबसे बड़ी आपकी अंडाणु कोशिका है, अंडाणु जो है वो सबसे बड़ी है और सबसे लंबी आपकी तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम, परमाणु का भाग कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, कौन सा नहीं है दोस्त, कौन सा वो है सर, देखो अच्छा क्रोध की पराकाष्ठा का चंदन लगने की तनिक भी प्रयास ना करो, रिक्वेस्ट है सर जी, भोजपुरी में बोलिए ना, तो सुना है बाबू, सवाल कहता का कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो देखो तो देखिए ना, तो देखा लोग, तो लोग जाने लग की सर का कि एगो एटम न्यूट्रल होला, न्यूट्रल, लेकिन एटम के जोन फंडामेंटल पार्टिकल मूलभूत कण होला, ओकरा में चार्ज होला, लेकिन कौन कौन मूलभूत कण होला बाबू, याद रखी है, तो इलेक्ट्रॉन मूलभूत कण हो जाए, प्रोटॉन मूलभूत कण हो जाए, न्यूट्रॉन मूलभूत कण हो जाए, तीन गो तो मूलभूत कण हुई हैं सर, लेकिन फोटोन मूलभूत कण ना हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे छोट कहल जाला, लेकिन एकरो से छोट का होला, एकरो से छोट होला
क्वार्क, क्वार्क एहू से छोट होला और क्वार्क से भी छोटका होला तो मेसॉन होला, मेसॉन, मेसॉन एकरो से छोट होला, मेसॉन से मिलतल जुलतल नाम का होला बोसॉन, बोसॉन एकरे लेखा नाम हो बोसॉन, जेकरा के का कहल जाला, जेकरा कहल जाला गॉड्स पार्टिकल कहल जाला, का कहल जाला भगवान जी के कण कहल जाला, तब फोटोन एकर बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। अगला सवाल देखो का कहता, एगो अश्व शक्ति कितना के बराबर होई, द वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी, है ना, कार्क और मिसान, बुढ़वन जैसन लागता है भोजपुरी बोलते तो कहे हो, कहे एक गुड़िया, देख लो का कि एक एक अश्व शक्ति कितना के बराबर होला दोस्त, तो एक अश्व शक्ति याद रखोगे सर कितने के बराबर होता है, इट इज ऑफ 746 वॉट, सर कितना याद रखोगे 746 वॉट के बराबर आपका एक अश्व शक्ति होता है, इस बात को आप सारे याद रखिए, सर कितना होता है सर, अमेजिंग वॉइस सर जी, इस्तकबाल है बेटा, इस्तकबाल है आपका। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने के लिए वाहक होते हैं, ऑक्सीजन कैरियर कौन होते हैं बताओ सर, मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैरियर का काम कौन करते हैं सर, गुस्सा है क्या पाँव लागो, एंग्री अनु गुस्सा तोहरे से है बेटा रे, सोना रे, गुड़िया रे, तोहरा से गुस्सा हो खम है, जिए के नहीं हमारा है, और अब हमारे जिए के अगर मैं ना जिए खोगे तो हम तरह से खिसी आई है, कहें किसी आयल बड़ हुए पागला से, आओ वॉइस अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। देखो मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का कार्य कौन करता है, द हेमोग्लोबिन, देखिए दोस्त जो हेमोग्लोबिन होता है यह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरियर का कार्य करता है, जब यह ऑक्सीजन से मिलता है तो यह क्या बनाता है, यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की फॉर्मेशन करता है, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे, है ना, बताओ सर हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट देखो, जब पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाएगा सर, को जब पानी है पानी जम के बर्फ बनेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ जी थैंक यू सर जी, मन खुश हो गया, हमारे यहाँ मन खुश नहीं होता दोस्त, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मन गदगद हो जाता है ना, मन गदरा जाता है, मन गदगद हो जाता है ना। चलो आप कितना प्यारा बोलते हैं, हम बहुत प्यारा बोलते हैं, एकदम गुड़ खा के बोलते हैं बेटा जी, है ना। चलिए देखिए क्या कहता है कि जब पानी जमता है तो घनत्व क्या हो जाएगा सर, घनत्व घट जाता है, याद रखोगे सर, क्या जो घनत्व होगा घट जाएगा, जिस वजह से वो वस्तु तैरती रहती है, घनत्व घटेगा आयतन बढ़ेगा, वस्तु क्या होती है तैरती रहती है, इस बात को आप याद रखोगे, अगर घनत्व बढ़ जाता, अगर क्या होता घनत्व बढ़ जाता तो वस्तु डूब जाती, इस बात को आप सारे हमेशा हमेशा याद रखिएगा, बेहतर है ना, बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, है ना, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी देखिए ना, सुनिए ना, समझिए ना, देखिए दोस्त जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला द C6H12O6 होता है, जिसे क्या कहते हैं, जो इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे, आपको सर क्या हाली हाली ऊर्जा चाहिए, क्या जी सर हाली हाली, है ना, एकदम अकुताइल बढ़ा उसमें ऊर्जा खाती, अगर ऊर्जा खाती एकदम अकुताइल बढ़ा तो याद रखिएगा कि C6H12O6 ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी की फॉर्मेशन कर देगा, जिससे सर क्या आप एकदम टन 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 हो जाओगे और कहोगे अब बताओ ना किसकी जरूरत है, क्या ही है ना। आइए सर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट धारा को मापने का मापक विधित है सर, कि अगर आपको करंट मेजर करना है बताइए सर, सर कि जो आपका करंट मेजर करना है, करंट मेजर करने के लिए क्या होगा, हाँ जी हाली हाली, हाँ मामा हाली हाली इमली घोटावा, ए मामा हाली हाली, है ना, होता है ना। चलो मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं सर, क्यों तुमसे गुस्सा है इसलिए नहीं पढ़ते हैं ना, तुमने मेरी जमीन लिखवा ली है ना, तुमने मेरी जमीन अपने नाम लिखवा ली है इसलिए मैं तुम्हारा कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, है ना, मेरे कमेंट नहीं पढ़ते, पढ़ लिए। चलिए देखिए, धारा को मापने का कार्य कौन करता है, जो एमीटर होता है ना, एमीटर, एमीटर आपके करंट को मेजर करने का कार्य करता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा हमेशा सर, कौन जो आपका एमीटर होता है, सबमीटर वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा, ओम मीटर ओम को मापेगा, याद रखोगे। शांता से संबंधित विशेषता क्या है सर, कि द विस्कोसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू पिक्रिक वाटर, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल या नन ऑफ दीज, हाँ जी बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ना, सुनिए ना, समझिए ना, ये आया था एग्जाम में, सब एग्जाम में ही आएगा, सुना जी, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। शांता, शांता से संबंधित क्या होता है दोस्त, जो आपका लुब्रिकेंट ऑयल है, याद रखोगे, शांता से संबंधित आपका लुब्रिकेंट ऑयल है, जो अलग अलग सर्फेसेस पर कार्य करता है, अलग अलग सर क्या करता है, तो
फ्लोर पे कार्य करता है, जो कि आपको सर क्या विस्कोसिटी के बारे में बात करेगा। बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? अम्ल वर्षा एसिड रेन। देखो दोस्त, सुनो ना, समझो ना, क्या कहता है कि देखो दोस्त, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन किससे बनता है, बताओ बताओ दोस्त, जो आपका एसिड रेन है, एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, जब आपका एसिड रेन होता है, एसिड रेन किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? सर ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे, द NO2 प्लस SO2, इन दो को मिला के क्या बनती है आपकी, एसिड रेन बनती है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन किसमें पाए जाएंगे, बताइए दोस्त, जो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन है किसमें पाया जाएगा? सर खाना खाएगा, खाएगा क्या होता है, खाइएगा, खाएंगे सर, खाना खाएगा, ये तो भोजपुरी है बोल लो, तो हिंदी है बोल लो, ये जो बोल रहे हो वही बोल लो, है ना सर। ये अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं सर किस में? सर देखिए ना, पल्सेस, पल्सेस में कौन सी प्रोटीन होती है सर? पल्सेस में प्रोलेमिन्स नाम की प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्त? तो प्रोलेमिन्स नाम की प्रोटीन दालों में पाई जाती है, तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन दालों में पाए जाते हैं। शीतगृहों में शीतलन हेतु प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज फॉर कूलिंग इन द कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जरा मुझे बताओ, जरा 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 मुझे बताओ सर कि देखो, जो कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग के लिए किसका 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 प्रयोग किया जाएगा? बेगूसराय जिला, बेगूसराय जिला वाला लैंग्वेज बोल रहे हो, बेगूसराय वाला मुझे नहीं आता है, ये तो तुम्हारे इतने कहने पर तुम्हें कब का बोल दिया होता है ना। चलिए देखिए क्या कहता है दोस्त, देखिए ना, सुनिए ना, क्या कहता है, शीतगृहों में सर किसका, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, द ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप सारे याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप सभी हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, तो बेहतर बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है। और अगर बात की जाए तो देखो सर क्या वो कहते हैं ना कि इस बेगानी दुनिया में उम्मीदों का सहारा लेकर, इस बेगानी दुनिया में उम्मीदों का सहारा लेकर, हम तुम्हें फिर से चाहेंगे, एक उम्र दोबारा लेकर, एक जन्म दोबारा लेकर। पुतिन साहब पूछ रहे हैं, पुतिन साहब रशिया के होके हिंदी में लिख रहे हैं, सर आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। सर क्या करिए, सर आप अपना नंबर हमको दे दीजिए। ये कौन कह रहा है, ये हमसे हमारे पुतिन साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपको अगर आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि मैं अब आपकी क्लास को यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ, है ना। चलिए, सर भोजपुरी में बोलिए, कहते हैं ना कि तेजस की उड़ान में, कि तेजस की उड़ान में और कूटनीति का प्रमाण हूँ। अच्छा, शायरी देख रहे हो सर, शायरी मतलब कुछ भी शायरी, शायरी सुननी है इनको, देख रहे हो सर, पढ़ना वढ़ना नहीं है, शायरी सुननी है। चलो तो एक बढ़िया सी शायरी देखता हूं, स्ट्रीम। सर राजा कर्ण की धरती से आपको प्रणाम। बाबूजी आप राजा कर्ण की तरह दानवीर बने, हम यही भगवान से दुआ करते हैं, है ना। चलिए, एक शेर है बड़ा प्यारा सा, आपको सुनाते हैं हम, है ना, कि कुछ बात के हैं चेहरे सब उतरे हुए से हैं, कि कुछ बात है कि चेहरे सब उतरे हुए हैं, वरना हर शख्सियत तबीयत से महताब बहुत हैं, कि कुछ बात है कि चेहरे सब उतरे हुए से हैं और वरना हर शख्सियत तबीयत से महताब बहुत है, कहने को एक अरसे से बड़े बेख्याल हैं, कि कहने को अरसे से बड़े बेख्याल हैं, फिर भी दिलो जाम में तेरा ख्याल बहुत है, और आंखों को पढ़ सके एक ऐसी शख्सियत भी हो, कि मेरी आंखों को जो पढ़ सके एक ऐसी शख्सियत भी हो, वरना तो शायरी के कदरदान बहुत हैं, वरना मेरी शायरी के कदरदान बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, है ना। कि पहन के झूठी हंसी महफिल में जाना क्या, है ना, याद रखोगे कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या। आप सभी के लिए है कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या। नहीं 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 नहीं, छोड़ जा रहे हैं, चलो एंड करते हैं आज क्लास को। सर एसडीएम वाइफ के बारे में बताओ ना, देखो एसडीएम वाइफ के बारे में आपको मैं कुछ सुनाता हूँ, है ना, बड़ा प्यार से लिखा हुआ है,
ना आपको मैं सुनाता हूँ एक सर एसटीएम वाइफ के बारे में सुनाऊ ना। सुनो सर को माइक ऑन है क्या? सुनो कहते ना दोस्त कि एक औरत ने सर सुनो अगर सच में तुम हमसे प्यार करते हो, तुम सभी के लिए है कि अगर तुम सच में हमसे प्यार करते हो तो हमसे ज्यादा पढ़ाई में दिल लगाना, कि अगर तुम सच में हमसे प्यार करते हो तो हमसे ज्यादा पढ़ाई में दिल लगाना। एक औरत ने छोड़ दिया एसटीएम बनके अपने पति को, कि एक औरत ने छोड़ दिया एसटीएम बनके अपने पति को, तुम डीएम बनके हम ही को दुल्हा बनाना, तुम डीएम बनके हम ही को दुल्हा बनाना। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद सभी को, थैंक यू।